ईमान की खास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमान। 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलहेल्म कोने ने पहली मरतबा इस्तला इंजाइम इस्तेमाल की। इंजाइम गोल्ड शक्ल की यानी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तमाम प्रोटीन की तरह इंजाइम भी अमाइनो एसिड की लंबी और थ्री जंजीरों के बने होते हैं। ये जंजीरे तय लगाकर तीन रूपी तीन सीमती यानी थ्री डायमेंशनल मालिक्यूल बनाती है। तकरीबन तमाम इंजाइम प्रोटीन होते हैं यानी अमीनो एसिड के बने होते हैं। एंजाइम के साथ रिएक्शन की रफ्तार इनके बगैर होने वाले रिएक्शन की निस्बत लाखों गुना तेज होती है। तमाम कैटलिस्ट की तरह एंजाइम भी रिएक्शन में इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते। एंजाइम रिएक्शन की किस्म और सब सब्सट्रेट की नोयत के लिहाज से आमतौर पर बहुत मखसूस होते हैं। एंजाइम के मॉलिक्यूल का छोटा सा हिस्सा ही कैटालिसिस में शामिल होता है। इस हिस्से को एक्टिव साइट कहती है। एक्टिव साइट सब्सट्रेट की पहचान करती है, एक साथ जुड़ जाती है, फिर इसका रिएक्शन करवाती है। सेल एंजाइम बनाने को जरूरत के मुताबिक तेज रास्ता कर सकता है। एंजाइम के काम करने को इनहिबिटेटर और एक्टिवेटर के जरिए भी बायकायदा बनाया जा सकता है। चंद एंजाइम को अपनी मुकम्मल सलाहियत दिखाने के लिए इजाफी इजलास की जरूरत नहीं होती। तमाम दूसरे एंजाइम का काम करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहते हैं जिन्हें को फैक्टर कहते हैं। ये को फैक्टर या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, मसलन मेटल आइंस, या फिर ऑर्गेनिक मसलन फ्लेवन और इन। जब ऑर्गेनिक को फैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से बंधे हों तो ये प्रोथेटिक की ग्रुप कहलाती है, लेकिन अगर ये एंजाइम के साथ कमजोर जोड़ बनाते हैं तो ये को एंजाइम कहलाते हैं। को एंजाइम केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं। विटामिन को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, मसलन राइबोफ्लेविन, थायामीन और फोलिक एसिड। बहुत से एंजाइम खास तरतीब के साथ इकट्ठे काम करते हैं जिससे मेटाबॉलिक सिलसिले बनते हैं। एक मेटाबॉलिक सिलसिले में एक एंजाइम किसी और एंजाइम के पैदा करदा प्रोडक्ट को अपने सब्सट्रेट के तौर पर ले लेता है और इस कार्य करवाने के बाद नए प्रोडक्ट को अगले एंजाइम को दे देता है